हाय फ्रेंड, मैं हूँ अमजद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल। आज मैं एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊंगा जो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इमेज को उस ऐप में शिफ्ट करके आप अपना ड्राइंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करता हूँ। एक इमेज को शिफ्ट करके कैसे आप ड्राइंग बना सकते हैं, तो चलिए दिखाता हूँ। ये ऐप है, तो चलिए ऊपर आप देख रहे हैं प्लस का आइकॉन, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फाइल नेम, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक फाइल नेम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं डाल देता हूँ इमेज, ओके किए, इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आप ऊपर थ्री डॉट का आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इंसर्ट इमेज, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट हो गया। आप इसको शिफ्ट करें, इसको आप कनेक्शन भी डाल सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं दिखाता हूँ। इसका कलर भी कर सकते हैं। रेड कर दिया। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। डिलीट के बगल में आपको स्क्वायर में डॉट दिखाई दे रहा है, उसे आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको वाई देना है। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं, इसको ब्लू देना है, ठीक है। इसमें फिर कोई एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे बताएं स्टार्टर फिर मोटर। तो चलिए मैं बनाया हूँ, उसको दिखाता हूँ। बैक करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये इमेज डाल के मैंने एक सर्किट बनाया हूं। तो चलिए इसको मैं गैलरी में डाउनलोड करता हूं। ऊपर थ्री डॉट है, इसको क्लिक करता हूं और सेव गैलरी। चलिए ये सेव हो चुका है, तो चलिए मैं दिखाता हूं। तो ये रहा फ्रेंड सिंगल फेज RCCB प्रोटेक्शन। तो RCCB से पहले MCB लगाया हुआ है, उसके बाद RCCB, उसके बाद मोटर स्टार्टर जो मोटर को स्टार्ट और बंद करता है, और उसके नीचे 230 वोल्ट AC मोटर लगाया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से 230 का कनेक्शन किया जाता है एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और RCCB का प्रोटेक्शन लगाया जाता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि RCCB से पहले MCB क्यों लगाया जाता है। क्योंकि MCB है, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट में प्रॉपर वर्क नहीं करता है। RCCB एक ह्यूमन या एनिमल इंजरी को रोकने के लिए दिया जाता है, क्योंकि RCCB एक वीडियो में बता चुका हूँ कि RCCB का इंटरनल ड्राइंग भी दिखाया हूँ, और
उसका वर्किंग भी बताया हूँ कि वो किस तरह से वर्क करता है और वो किस तरह से ट्रिप होता है, तो मैं सारा चीज़ बताया हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि RCCB का वर्क कैसा होता है, वो लगाना क्यों ज़रूरी है। मैं सारा चीज़ उस वीडियो में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।